Now I start question number 10. So question number 10 is what? Write the following rational number in ascending order. आपको rational numbers given है उनको आपको ascending order में arrange करना. It means minimum to maximum number. Okay? So first question is what? -3/5, -2/5 and -1/5. But in this case, all denominator are same. एंड माइनस और नंबर लाइन दे गया, डिनोमिनेटर सबका सेम है और नंबर लाइन पर ही आपकी दिस फॉर्म में नंबर होंगे. ओके, सो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर. इट मीन्स दिस नंबर इज लेस देन टू दिस, दिस नंबर इज लेस देन टू दिस, दिस नंबर इज लेस देन टू दिस. सो ऑलरेडी 3/5 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है ये, -2/5 लेस देन -1/5. ओके, सो दिस नंबर is also arranged in ascending order. Now in question number second, okay? Second is what? 1/3, -2/9 and -4/3. अब फर्स्ट में यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से एक कोई सी भी वैल्यू सेम नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या टेक करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 3, 9 and 3. सो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 and 3 बन जा 3 अगेन. सो एलसीएम ऑफ 3, 9 and 3 इज वॉट? 3 3 9. सो फर्स्ट दिस 1/3 को आपको 9 बिकम करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3/3. ओके, सो इट बिकम 3/9. सिमिलरली -2/9, ये तो ऑलरेडी है, तो इसका 1/1, सो ये बन जाएगा आपका -2/9. ओके, एंड दिस -4/3, तो इसका डिनोमिनेटर को भी आपको 9 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. सो इट बिकम -12/9. अब वो नंबर लाइन -12/9 लेस वैल्यू होती है, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया. ओके, देन कौन? -2/9 एंड देन दिस +3/9. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर. सो -12/9 कौन सी फॉर्म है आपकी? -4/3. ओके, इज लेस देन दिस -2/9 एंड दिस लेस देन 1/3. सो ये इज थ्री नंबर्स की क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. इट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इन थर्ड क्वेश्चन -3/7, -3/2 एंड -3/4. ओके, सो इन दिस नंबर दिस इज वेरी वैल्यू केस, हियर ऑल न्यूमरेटर इज सेम. ओके, न्यूमरेटर वैल्यू आपकी क्या है? सेम है. सो आपको डिनोमिनेटर इसका आप -3/2 इसका असेंडिंग ऑर्डर राइट करना है, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो -3/2 इज लेस देन -3/4 इज लेस देन -3/7. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर. ओके, हियर न्यूमरेटर इज सेम, सो वी राइट ओनली 2, 4 and 6 बिकॉज वी नो असेंडिंग ऑर्डर. सो ऑन नंबर लाइन 2 इज लेस देन 4 देन 7. ओके, सो 2, 4 and 7. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस रेशनल गिवन रेशनल नंबर. इज दैट क्लियर? सो दिस अवर एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड. सो प्लीज वॉच दिस ऑल वीडियो वेरी केयरफुली एंड कंप्लीट योर नोटबुक. थैंक यू.